नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज हम आपको राजा नायक की कहानी सुनाएंगे। वो कहते हैं ना, अगर कुछ करने का जज्बा हो, मनशा हो, तो दुनिया का कठिन से कठिन काम सरल तरीके से सफल हो जाता है। तो राजा नायक की कहानी कुछ ऐसी है। 56 वर्षीय राजा नायक फिलहाल उद्योग के दलित इंडियन चैम्बर में प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा उनकी कंपनियां भी हैं और उनकी सबसे बड़ी कंपनी का टर्नओवर 60 करोड़ रुपए है। उन्होंने शुरुआत शून्य से की है। चलिए उनकी कहानी शुरू से जानते हैं। दरअसल राजा नायक बिलोंग करते हैं दलित फैमिली से, कर्नाटक के एक दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी फैमिली आर्थिक रूप से फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थी, इवन बहुत लो थी। लेकिन उन्हें उनके अंदर वो जज्बा था, वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनके घर में 3-4 भाई बहन और थे तो उनके पापा मम्मी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसकी वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई थी। फिर ये घर में रहने लगे, फिर उन्हें मन नहीं लगता था क्योंकि इनके अंदर वो स्पार्क था कि ऐसे जीवन यापन करने से क्या फायदा है। फिर ये बॉम्बे भाग गए अपने घर परिवार को छोड़कर। घर परिवार के लिए ही वो चाहते थे कि कुछ करना, अपने घर परिवार के लिए कुछ बड़ा करना, वो बॉम्बे भागे। लेकिन बॉम्बे में हम सब जानते हैं बॉम्बे में कैसा माहौल है, बॉम्बे में कोई अपना नहीं है, सब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं और ये चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगी। उसके बाद उन्हें ये समझ आ गया कि यहाँ फ्यूचर नहीं है। वो वापस आ गए, लेकिन वापस आने के बाद वो घर में बैठते थे और ये सोचते थे कि ये कैसी जिंदगी है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए। फिर उन्होंने त्रिपुरा से एक्सपोर्ट सरप्लस शर्ट्स खरीद कर बेचने शुरू किए, जिससे उन्हें 5,000 रुपये का मुनाफा हुआ। इसके बाद उन्होंने एनालिटिक्स की कंपनी खोली। इसके बाद वो MCs लॉजिस्टिक्स की कंपनी खोली, जिसके बाद उन्हें फ़ायदे होने शुरू हो गए। इसके अलावा उन्होंने जल वेवरेज यानी कि वाटर वेवरेज का भी काम शुरू किया। जो कंपनी बॉटल बनाती थी, ऐसे कंपनीज में उन्होंने काम करना शुरू किया, खुद की कंपनी खोली। आगे बढ़ते गए और एक दिन ऐसा आया कि जब उनकी कंपनी का टर्नओवर 60 करोड़ हो गया और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया उद्योग में दलित इंडियन चैम्बर्स के वो प्रेसिडेंट भी हैं, ये ज़िंदगी आसान नहीं थी उनकी क्योंकि फैमिली बहुत फाइनेंशियली वीक थी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछड़े वर्ग की क्या स्थिति रही है इंडिया में, जिस वक्त ये छोटे थे उस वक्त और भी स्थिति गंभीर थी और एक लिमिटेड अमाउंट का काम उन लोगों के द्वारा किया जाता है, बहुत आगे बढ़ने की लालच ही नहीं होती है क्योंकि वो जानते हैं कि हमें दबा दिया जाएगा। ऐसी सोच के साथ उस वक्त की जिंदगी थी पिछड़े वर्गों की, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सोचा कि क्यों, ये पिछड़ा और अगुआ क्या होता है, हमें तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है, खुद मेहनत करनी है, खुद कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है। आज आपके सामने ये एग्जांपल है राजा नायक की, कल आपकी भी एग्जांपल हो सकती है, मेरे भी एग्जांपल बन सकती है। बस ज़रूरत है जज्बे की, मनशा की, जो हमारे मन में बिठाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि देर इज़ नो एक्सक्यूज़। सफल होने के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये कहानी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तब तक के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।